आज बनाने वाले हैं हम लोग वेज पराठा, जो पत्ते गोभी की बनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये लिया मैंने हरी सब्जियां और इसको हम कट करेंगे। ये कैप्सिकम को मैं काट लेंगे, इसे छोटे छोटे पीस में, ये देखिए, इसे बारीकी से अच्छे से काट लेंगे। ये बड़े साइज नहीं रहेंगे, छोटे छोटे साइज में इसे हम अच्छे से काट लेंगे। ये देखिए, इसे हम अच्छे से काट लेते हैं। इस तरह से हम बारीकी से इसे काट लेते हैं पूरा अच्छे से। ये देखिए, इस तरह से आप काट लेंगे। ये मैंने काट लिया है। अब मैं गाजर लेती हूँ, इसे भी ऐसे पहले पतले पतले स्लाइस करके इसे ऐसे, फिर इसे भी छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। साइज छोटा ही रखेंगे, ऐसे हम काट लेते हैं इस तरह से। सारी सब्जियां हम, ये देखिए, इस तरह से हम काट लेंगे इसे बारीकी से। अब हम कैबेज को भी काट लेते हैं, इसे भी अच्छे से हम निकाल के इसको भी हम छोटे छोटे साइज में काट लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसे इस तरह से मैंने काट के फिर इसे छोटे छोटे साइज में काट लेते हैं ऐसे। देखिए, इस तरह से बाकी सब्जियों को भी इस तरह से हम लोग काट लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने काट कर तैयार कर लिया है। अब ये मैंने एक प्याज लिया है, इसे भी काट लेते हैं, इसे भी इसी तरह छोटे छोटे साइज में काटना है। इसे जो छोटे छोटे साइज में मैंने काट लिए है, पत्ते गोभी, प्याज, गाजर मैंने थोड़ा ही रखा है, मिर्चा भी मैंने काट लिया है ना इस तरह से। अब हम एक कढ़ाई चढ़ाते हैं। ये देखिए, अब कढ़ाई को गरम करेंगे। इसमें भी मेरे पानी है, अभी इसे अच्छे से गरम हो जाने देंगे। गरम हो जाएगा तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अभी ये चेक कर लेते हैं, अभी गरम नहीं हुआ है, अभी पूरा पानी इसमें लगा हुआ है। ये मेरा कढ़ाई गरम हो गया है, इसमें तेल डाल देंगे। ये देखिए, इसमें आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। ये देखिए, अभी गर्म हो जाएगा तो सारी सब्जियां जो है उसमें जाएगा। अब ये मेरा तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं प्याज। सब सब्जियां एक साथ ही इसमें ऐड करेंगे, सारी सब्जियां एक साथ ही जाएंगी। ये देखिए, मैं गाजर भी डाल दी। ये देखिए, इस तरह से चला लेते हैं अच्छे से। इस तरह से चला लेते हैं। ये देखिए, अब इसको जो इस तरह से पकने देंगे, इस तरह से ये पकेगा और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे इसे, ताकि ये लगे ना इस तरह से। ये अब देखते हैं, अब चलिए हल्दी डाल देते हैं इसमें।
इसमें थोड़ा हल्दी ये अमचूर पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा कम ही डालेंगे, हरे मिर्च का हमने यूज़ किया है तो थोड़ा कम जाएगा। ये इस तरह चला लेते हैं और फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे ताकि लगे ना सब्जियां नीचे जल जाएंगी, इसलिए इसे फ्लेम कम करके चलाएंगे अच्छे से और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे इस तरह से। देखिए अब इसमें हम नमक डाल देते हैं, कि मैंने नमक ऐड किया, ये देखिए थोड़ा सा और नमक ऐड करके इसे अच्छे से हम चला लेंगे। मैंने फ्लेम लो रखा है तो ये धीरे धीरे पकेगा, अच्छे से लगेगा नहीं नीचे, इस तरह से मैं चलाती रहूँगी इसे, नीचे लगे ना और अच्छे से सब्जियों में नमक मिल जाए। ये देखिए इस तरह से सॉल्ट डालने पर थोड़ा सा इसमें हल्का सा पानी सब्जियों से निकलता है तो इस तरह से ये जल्दी पकता है। अच्छे से चला लेंगे हम लोग, सब्जियाँ अच्छे से पक जानी चाहिए, कच्ची ना रहे। इस तरह से मेरी सब्जी जो है यहाँ पर बस रेडी होने वाली है। देखिए इस तरह से सब्जी मेरी रेडी हो गई है। अब मैं इसे गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी, बंद कर दूँगी। अब ये मेरा तैयार हो गया। अब आटा लगा लेते हैं, ये मैंने आटा तैयार कर लिया। अब तवा गरम करते हैं, मैंने जो 20 मिनट तक रखा था आटा गूंथने के बाद, आप 20 मिनट तक रखेंगे उसके बाद अब बनाएंगे पराठा। ये देखिए इस तरह से पराठे को रोटी की तरह बेल लेंगे पहले, इसमें हम सब्जियों को इस तरह से रखकर इस तरह से हम इसे देखिए ऐसे इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे चारों तरफ। अब इसको आटे में लगा कर अच्छे से हम बेल लेंगे पराठे के सबको जो है, अच्छे से हम बेल लेते हैं। ये मेरा रेडी हो गया। अब इसको हम तवे पर रख देते हैं। ये देखिए इस तरह से फ्लेम को मैंने लो रखा है ताकि रोटियाँ जले ना, ये पराठे जले ना। अब ये देखिए अब थोड़ा सा फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर दूँगी। ये देखिए अब ये पकेगा इस तरह से मेरा। तब तक जो है ये मैं दूसरे साइड जो है मैं इस तरह से ऑयल करके लगा लूँगी। और ये देखिए इसको पलट दिया मैंने, अब मैं यहाँ पर भी ऑयल को लगा लूँगी और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए मैं दूसरा तैयार कर लेती हूँ, दूसरा पराठा भी मेरा रेडी हो रहा है। तब तक एक पराठा मेरा पक रहा है और दूसरा पराठा मैं फटाफट इस तरह से तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से आप इसको बनाएंगे इस तरह से, ये देखिए मेरा ये पराठा अच्छे से कितना प्यारा कलर आ गया है। ये मेरा पराठा पक गया है अच्छे से, ये देखिए ये मेरा पराठा एक बन गया। अब मैं इस दूसरे पराठे को इस तरह से तवे पर रख देती हूँ। मेरा ये पराठा रेडी। आप भी सभी पराठे को मैंने आम रस के साथ, इस मौसम जो है आम का सीज़न है तो इस तरह से मैंने आम रस के साथ इसको सर्व किया है। अब
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।